नमस्कार, आप देख रहे हैं जीवीएन न्यूज सिलीगुड़ी और आपके साथ में सुप्रिया। बहुत ही जरूरी सूचना, शायद आप सभी को पता है, लेकिन फिर भी एक बार बता दूं कि आज से 15 दिनों तक बागडोगरा एयरपोर्ट में पर विमानों का संचालन रहेगा ठप। जी हाँ, आज से यानी कि 11 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक बागडोगरा एयरपोर्ट में कोई भी विमान का संचालन ठप रहेगा। कोई भी विमान यहाँ से ना आएगा, ना आवाजाही बंद हो रहेगा। बता दें कि एयरपोर्ट बागडोगरा एयरपोर्ट के जो आधिकारिक की तरफ से जो जानकारी मिली है उनके अनुसार ये सूचना बागडोगरा एयरपोर्ट 15 दिन बंद करने का सूचना जो है वो 2 महीने पहले ही आधिकारिक ने सभी को ट्विटर अकाउंट में बता दिया गया था, सभी को सूचित कर दिया गया था। उसके साथ साथ ही जो आज से 15 दिनों तक काम चलेगा रनवे के लिए वो भारतीय वायुसेना द्वारा बनाई जाएगी। उसके साथ साथ ही रनवे हालांकि बहुत बार यानी कि 3 बार 15 मार्च से लेकर 3 अप्रैल के बीच में 3 बार रनवे खराब हो चुकी थी। इसके वजह से विमान सेवा पर भी काफ़ी असर पड़ा है। साथ साथ ही जो आवाजाही कर रहे थे बागडोगरा एयरपोर्ट से, जो लोग आवाजाही कर रहे थे उनको भी बहुत काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ी थी। उसके साथ साथ ही विमान जो एयरपोर्ट बागडोगरा एयरपोर्ट जो है उनको 104 एकड़ ज़मीन राज्य सरकार दे रहे हैं, क्योंकि बागडोगरा एयरपोर्ट की जो क्षमता है उससे कई ज़्यादा विमान यहाँ पे आते जाते हैं, आवाजाही करते हैं। इसके वजह से और 104 एकड़ ज़मीन चाहिए थी। उसके वजह से राज्य सरकार ने 16 मार्च को ही राज्य सरकार की तरफ से 104 एकड़ ज़मीन जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को सौंप दी गई है। उसके साथ ही ये भी बता दें कि केंद्र सरकार ने भी सैंक्शन किया था। कुछ दिन पहले भी मैंने आपको सभी को सूचित किया था कि राजू बिस्टा जी जो कि दार्जिलिंग के सांसद हैं, उन्होंने कहा था कि 1312 करोड़ का सैंक्शन हुआ है बागडोगरा एयरपोर्ट बनने में। तो 1312 करोड़ का सैंक्शन हुआ है बागडोगरा एयरपोर्ट फिर से बनने में। उसके साथ साथ ही ये जो काम है 104 एकड़ ज़मीन को लेकर बागडोगरा एयरपोर्ट की जो फिर से बनने की जो बात है वो 6 महीना बाद शुरू हो जाएगी। आज पूरा जो हर रोज जहाँ पे कई सारे विमान आते जाते हैं आज वो बागडोगरा एयरपोर्ट सुनी रह गई है, क्योंकि रनवे खराब होने की वजह से आज बागडोगरा एयरपोर्ट सुनी है। ना ही कोई टैक्सी चालक है, ना ही कोई इंसान है, सिर्फ और सिर्फ जो एयरपोर्ट के अधिकारी के है वही सिर्फ यहाँ पे, जितने भी जो कर्मचारी है एयरपोर्ट के वो सिर्फ यहाँ पे मौजूद है। इसके साथ साथ ही बता दें कि जो 6 महीने बाद 1312 करोड़ रुपए जो स्वीकृत किया गया है, जो सैंक्शन पास हुआ गया किया गया है केंद्र सरकार की तरफ से, तो पहले चरण के कार्य के लिए टेंडर जारी भी कर दिया गया है। टेंडर प्रक्रिया 20 अप्रैल तक चलेगा। जी हाँ, 20 अप्रैल तक चलेगा ये टेंडर, उसके बाद में 6 महीना बाद ये बनना शुरू हो जाएगा। आप सभी को ये भी बता दें कि एयरपोर्ट आधिकारिक सूत्रों द्वारा मिली जानकारी के अनुसार एयरपोर्ट के विस्तार प्रक्रिया के तहत टर्मिनल बिल्डिंग का विस्तार, फ्लाइट पार्किंग, फायर स्टेशन, सिक्योरिटी केबिन, वॉच टावर, कार पार्किंग, एयरपोर्ट अथॉरिटी प्राधिकरण तथा CISF के अधिकारियों व कर्मचारी के आवास, अप्रोच रोड तथा सेवरेज ट्रीटमेंट प्लांट समेत अन्य सुविधाएं भी स्थापित की जाएगी। उसके साथ साथ ही आप सभी को बता दें कि इसको लेकर जितने भी जो पर्यटक है, जितने भी जो यहाँ के जनता है वो सभी चिंतित है, क्योंकि फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से ना ही बस में ना ही ट्रेन में टिकट मिलना बहुत मुश्किल हो रही है। उसके वजह से आप सभी के लिए एक खुशखबरी है कि NBSTC
उत्तरबंग राष्ट्रीय परिवहन निगम NBSTC और निजी बस प्रबंधों ने भी अतिरिक्त परिसेवा की तैयारी शुरू कर दी है। सोमवार से NBSTC सिलीगुड़ी से कोलकाता के बीच दो अतिरिक्त बस सेवा शुरू कर रही है। NBSTC के चेयरमैन पार्थ प्रतिम रॉय ने कहा कि 15 दिनों के लिए बागडोगरा से उड़ान संचालन निलंबन को ध्यान में रखते हुए सिलीगुड़ी से कोलकाता के बीच अतिरिक्त दो बस सेवाएं शुरू की जा रही है। इसके बाद यात्रियों की मांग के अनुसार बस सेवा बढ़ाया जा सकता है। और आप सभी को बता दें कि सोमवार से शुरू हो रही ये दो अतिरिक्त बसों का किराया नहीं बढ़ाया गया है, बल्कि ₹550 प्रति सीट के अनुसार ही बस सेवा मुहैया कराई जाएगी। उसके साथ साथ ही आप सभी को ये भी बता दें कि हिमालयन हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म डेवलपमेंट नेटवर्क के अनुसार सूत्रों के अनुसार ये बताया गया है कि उनका ये कहना है कि पाक्योंग एयरपोर्ट से सिलीगुड़ी की दूरी 134 किलोमीटर है, तो कोलकाता के बजाय अतिथियों को पाक्योंग एयरपोर्ट से रिसीव करना ज़्यादा सुविधाजनक होगा। बल्कि कोलकाता से सड़क मार्ग होकर सिलीगुड़ी पहुंचने के बजाय पाक्योंग से सिलीगुड़ी आना अतिथियों के लिए ज़्यादा आरामदायक होगा। तो ये रही एयरपोर्ट की जो स्थिति है, आज परिस्थिति है, क्योंकि 15 दिन बंद रहेगी। उसके साथ ही बहुत पहले, कुछ दिनों पहले से ही ट्रेन में टिकट मिलना भी बहुत मुश्किल हो चुका है, क्योंकि अगर ये एयरपोर्ट बंद भी नहीं करते तो भी 15 मार्च से लेकर 3 अप्रैल तक तीन बार विमान सेवा रनवे खराब होने की वजह से विमान सेवा को बंद रखना पड़ा। उसके वजह से विमान सेवा साथ ही साथ लोगों को भी बहुत परेशानी झेलनी पड़ी। लेकिन अगर रनवे नहीं बनाया जाएगा तो और ज़्यादा परेशानी का भुगतान करना पड़ सकता है। ऐसा ही APD एयरपोर्ट डिपार्टमेंट के तरफ से कहा गया है। उनका ये कहना है कि 15 दिन का काम होने के बाद कोई भी परेशानी नहीं आएगी, ऐसा भी उन्होंने कहा है। अभी कुछ देर पहले ही हमने अधिकारी से बात किया है। उनका यही कहना है कि 15 दिन का समय दिया है, जो कि भारतीय वायुसेना द्वारा ये कार्य किया जाएगा और जल्द ही फिर से विमान खुलेंगे और उसके बाद में कोई भी रनवे में कोई भी परेशानी या फिर कोई भी रनवे में खराबी का स्थिति नहीं होगा, ताकि लोगों को भी उसका भुगतान ना करना पड़े, साथ ही साथ विमान सेवा को भी उसका भुगतान करना ना पड़े। उसके साथ साथ जहाँ पे एक तरफ ट्रेन में टिकट मिलने की मुश्किल है, तो दूसरी तरफ NBSTC की, जैसे मैंने आपको आप सभी को बताया कि NBSTC के द्वारा दो अतिरिक्त बस सेवा की गई है। अगर मांग ज़्यादा होता है तो फिर और बसों की प्रबंध की जाएगी, ऐसा NBSTC के चेयरमैन ने कहा है। उसके साथ साथ ही प्राइवेट बस भी ये नई शुरुआत करी है, जहाँ से सिलीगुड़ी से लेकर सीधा कोलकाता तक। और मैंने आप सभी को बताया कि पाक्योंग एयरपोर्ट 134 किलोमीटर है, जहाँ पे हिमालयन टूरिज्म की तरफ से ये कहा गया है कि अभी पर्यटक की सीज़न है, क्योंकि कोरोना की वजह से सभी का बिजनेस ठप हो चुका है, सभी को नुकसान भुगतान करना पड़ा है। तो अभी जहाँ पे एक पीक है पर्यटकों की, वहाँ पे 15 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है रनवे के वजह से। तो फिर उन्होंने ये भी सवाल उठाया है कि जब कोरोना काल था तब ये रनवे क्यों नहीं बनाया गया था। अब पर्यटकों का पीक सीजन है, जहाँ पे अभी गर्मी का सीजन है, तो सभी पर्यटक घूमने आएंगे सिक्किम, कर्सियंग, दार्जिलिंग, जो कि हर साल आते हैं। तो अभी सीजन में ही क्यों बनाया गया है? तो जब हमने ये सवाल पूछा तो उनका कहना है कि नहीं बनाने से और ज़्यादा नुकसान भुगतान करना पड़ सकता है सभी को। तो ये अपडेट है बागडोगरा एयरपोर्ट में, जहाँ पे हर रोज आवाजाही होती थी, लोग पूरा भरा हुआ जा रहा था, टैक्सी हो रहा था, लेकिन यहाँ पे अभी कुछ नहीं है, पूरा सुनसान है। जितने भी जो बागडोगरा एयरपोर्ट के कर्मचारी है, उसके साथ साथ ही अधिकारी हो, सिर्फ वो यहाँ पे मौजूद है। काम चलना शुरू हो चुका है, दिन रात करके भी 15 दिन के अंदर रनवे बन जाएगा, ये आश्वासन दिया है APD के तरफ से और भारतीय वायुसेना की तरफ से। तो ये अपडेट है बागडोगरा एयरपोर्ट का, जहाँ पे 15 दिन यानी कि आज से 25 अप्रैल तक, 11 अप्रैल से 25 अप्रैल तक जितने भी जो विमान सेवा है वो सब ठप रहेगी। तो ऐसे अपडेट के साथ बने रहिए और देखते रहिए GVNA न्यूज़ सिलीगुड़ी। धन्यवाद।